बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणहार सुंदर साथ जी। कल की चर्चा में हमने उदयपुर के प्रसंग के साथ साथ में मंदसौर की वितक सुनी, जहां पर सुंदर साथ ने अपने हाथ से हवेली का निर्माण किया था, जहां बेरिसाल लूटना चाहता था और पूरणमल चारण की माता ने सुंदर साथ की रक्षा की थी, सेवा की थी। वहां से फिर लगभग 8 महीने तक भिक्षा मांगने के प्रसंग को सुना, जिसमें दिन में केवल एक बार सुंदर साथ श्री जी से मिलते हैं और भिक्षा मांग करके अलग अलग घरों से भोजन जो कुछ भी मिलता है प्राप्य सामग्री लाकर श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं और बाईजीराज जी उसे सभी सुंदर साथ में बांटने की सेवा करती हैं। चूंकि कल जो प्रसंग था, एक परंपरा रही है कि जब मंदसौर का प्रसंग चलता है तो सुंदर साथ अलग अलग घरों से प्रसाद लाने की सेवा करते हैं। टुकड़े का प्रसंग बोला जाता है परंपरागत रूप से इसको। कई जगह पर तो ऐसी भी परंपरा है कि जो भी सुंदर साथ वहां पर रहते हैं वो वास्तव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं बीतक के समय में, और भिक्षा मांग करके ही उस दिन भोग लगाया जाता है, प्रसाद लगाया जाता है। और कई जगहों पर अपने अपने घरों से प्रसाद लाने का रिवाज है, वो प्रचलन है। आज सरसावा के सुंदर साथ अपने अपने घरों से जो भी टुकड़े का प्रसाद लेकर के आए हैं, सभी सुंदर साथ प्रसन्नीय है, क्योंकि सुंदर साथ को ये प्रसंग याद रहा है। देखिए, उस प्रसंग को याद करने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि यदि हम जागने के लिए ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी पीछे न हटे। वैसे तो अब परिस्थिति वैसी नहीं है, लेकिन परिस्थिति का क्या है, कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ये शिक्षा हमें टुकड़े के भोग के प्रसंग से मिलता है। उसके बाद हमने सुना उज्जैन का प्रसंग, जहां पर 22 दिन तक उत्सव रसोई हुई थी। प्रसंग पलटा, 8 महीने तक भिक्षा मांगी और फिर 22 दिनों तक रसोई हुआ, उत्सव अलग अलग, आनंद अलग अलग, घरों में भोजन की सेवा मिली। और उसके बाद फिर मुकुंददास जी ने औरंगाबाद जाकर के भावसिंह की जागनी की, जो कि श्री जी से मिलते हैं। और श्री जी से मिलने के बाद उन्हें तो श्री जी के स्वरूप की पहचान हो ही जाती है और वो चाहते हैं कि उनके दरबार के जो 4 मुस्लिम दरबारी हैं वो भी श्री जी पर विश्वास लाएं और श्री जी की पहचान करें। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे दरबारी ईमान लाएंगे तो मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हूँ। 4 में से 3 दरबारियों को पहचान हो चुकी है और 4थे दरबारी ने अभी श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं की है। उसका नाम है फतेह मोहम्मद। वो कहता है जहान मोहम्मद से कि तू मुझे फकीर की पहचान करा दे कि ये कौन है। उसने 40 हदीसें लिख करके दी और कहता है कि यदि इन फकीर ने 40 हदीसों की व्याख्या कर दी तो मैं मानूंगा कि जिस तरह से तू उनकी इज्जत करता है, जिस तरह से तू उनको हादी कहता है, वो हादी होंगे, वरना मैं नहीं मान सकता। वो 40 हदीसें लेकर के आए श्री जी के पास। जब जहान मोहम्मद आते हैं उन हदीसों को लेकर के, श्री जी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है,
तू ही कर इनके मायने, किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब। तुम्हें तारतम ज्ञान मिल चुका है तो तुम खुद ही इसका अर्थ कर लो। श्री जी के आशीर्वाद से जहान मोहम्मद को हकीकत और मारिफत के सारे रहस्य समझ में आते हैं। उन 40 हदीसों का उत्तर तो वो वही दे देते हैं। फतेह मोहम्मद के घर पर जाकर के कहते हैं कि पूछो तुम्हें कौन सा सवाल पूछना है। फतेह मोहम्मद एक एक सवाल पूछता जाता है और जहान मोहम्मद उनका उत्तर देते जाते हैं। फतेह मोहम्मद ने एक प्रश्न पूछा था, कहते हैं कि खुदा की सूरत क्या है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप कैसा है और कहां पर लिखा है। जहान मोहम्मद कहते हैं कि कुरान में रुए तरवी फिल लैल तुल म्याराज, ये एक प्रसंग आता है। म्याराज अर्थात दर्शन की रात्रि। वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है, जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी में जो सबसे ऊपर की सीढ़ी होती है उसको मेराज कहा जाता है अरबी में। तो इसको हम भावार्थ करके या इसका जो बातिनी अर्थ है इसको इस तरह से समझते हैं कि अध्यात्म की जो सबसे ऊपर की सीढ़ी है, सबसे ऊपर की कसौटी है, वो दर्शन है। तो सब ए मेराज का अर्थ क्या होता है, सब का अर्थ होता है रात्रि, वो रात्रि जिसमें मोहम्मद साहब ने अध्यात्म की अंतिम मंजिल अर्थात परमात्मा के दर्शन को प्राप्त किया था, वो है शबे मेराज। तो उसमें क्या वर्णन है कि उन्होंने खुदा की अमृत सूरत का दीदार किया, अमृत अर्थात किशोर स्वरूप का दर्शन किया। वो कहते हैं कि मेरे और खुदा के बीच में एक धनुष के बराबर दूरी थी, जैसे कमान कहते हैं ना, जिसको उतनी दूरी थी और मैंने खुदा से बातें की 90,000 हरूफों में। तो उसमें खुदा की अमृत सूरत का वर्णन आया है, किशोर स्वरूप का। हम भी वाणी के आधार पर क्या कहते हैं, परमात्मा का स्वरूप किशोर है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही निजानंद संप्रदाय की पद्धति पढ़ी जिसमें हम युगल किशोर को जाप है कहते हैं, जहां युगल अर्थात राज्य और श्यामा जी किशोर स्वरूप है। और इसी तरह से वेद भी परमात्मा को किशोर स्वरूप वाला कहता है। वेद कहता है यशाम इंद्रो युवा सखा, परमात्मा किशोर स्वरूप वाला, युवा स्वरूप वाला है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्युर आत्मानम धीरम अजरम युवानम। तो वो परमात्मा जिसका वर्णन इसमें किया गया है। तो फतेह मोहम्मद ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बातों में कोई शक नहीं है, तुमने हदीसों का जवाब भी दे दिया, लेकिन कहता है कि जाहिर कर हम ना सके सरा जाहिर परस्त बुजुर्ग। कि बात तो तुम्हारी सही है कि यही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी है, लेकिन हम इसे जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि शरा का, शरीयत का साम्राज्य है। जब तक बादशाह इस बात पर ईमान लेके नहीं आता तब तक हम इस पर विचार नहीं कर सकते, तब तक हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते और न हम इसकी बात खुले में कर सकते हैं। जहान मोहम्मद कहते हैं कि तुमने पहले कहा था कि हदीस का अर्थ कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा, अब तो हदीसों का अर्थ भी तुम्हें समझा दिया है, इससे ज्यादा क्या कहें। फतेह मोहम्मद ने कहा कि अगर बादशाह इस बात को मान ले तो हम मान सकते हैं। जहान मोहम्मद ने कहा कि तेरा ईमान खुदा पर है कि बादशाह पर है। अगर तुम्हें खुदा की पहचान है और अगर तुम्हारा ईमान खुदा पर है तो तुम्हें बादशाह से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ईमान और खुदा के बीच में कोई भी बादशाह भी नहीं आ सकता। अब फतेह मोहम्मद बातों से परास्त हो गया तो वो क्या करता है, वो जाकर के दूसरे पठानों को, दूसरे मुसलमानों को भड़का देता है, उकसा देता है और कहता है कि तुम लोग जाकर के जहान मोहम्मद को मना करो कि वो उन फकीर के पास न जाया करे, उस वैरागी के पास न जाया करे। सब पठान उठ करके जाते हैं और जहान मोहम्मद को कहते हैं कि तुम उन वैरागी के कदमों में क्यों जाते हो।
तुम मुसलमान होकर के उस हिंदू वैरागी के पास क्यों जाते हो? और वहां पर जहान मोहम्मद उनको उत्तर देते हैं, झगड़ा करते हैं और श्रीजी जहान मोहम्मद को बुला करके मना करते हैं। कहते हैं कि देखो, ये शरीयत का साम्राज्य है और इन लोगों का ही राज्य है, इसलिए तुम इनसे इस प्रकार की लड़ाई मत करो। सीधी लड़ाई तुम इनसे नहीं कर सकते क्योंकि तुम अकेले हो और ये अनगिनत संख्या में है, इसलिए तुम्हें वहां पर उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जहान मोहम्मद कहते हैं कि श्री जी, मैं क्या करूं? ये तो दज्जाल के रूप है, ये मुझे आपके पास आने से मना कर रहे थे, ये मुझे आपकी बात सुनने से मना कर रहे थे, और अगर मैं उनकी बात मानता तो मेरे ईमान को खतरा हो जाता, अर्थात मेरा ईमान डावाडोल हो गया, ऐसा माना जाता। कहते हैं, मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन, मैंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से आपको अपने साहिब के रूप में देखा है, अपने मालिक के रूप में देखा है, तहां खतरा होत है। ए मुख थे कहो न बेन, श्री जी आप अपने मुख से ऐसा मत कहना, क्योंकि अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो फिर मैं स्वयं की अंतरात्मा को क्या जवाब दूंगा। ये होती है पहचान। एक राणा राज सिंह है और एक है जहान मोहम्मद, दोनों के बीच में अंतर क्या है कि होना तो चाहिए था कि राणा राज सिंह उन पंडितों की बात न मान करके श्री जी से एक बार कम से कम विचार विमर्श कर लेता, एक बार बात कर लेता, लेकिन वो हिंदू होने के बावजूद भी पंडितों के बहकावे में आ गया और श्री जी के चरणों में नहीं आ पाया। और ये एक है जहान मोहम्मद जो मुसलमान है, पर ज्ञान दृष्टि से उसने श्री जी के स्वरूप की पहचान की तो श्री जी पर पूर्ण ईमान लेकर के आता है और कहता है, मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने ने। ये श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की स्पष्ट पहचान है कि प्राणनाथ जी कौन है, जहान मोहम्मद ने किस रूप में पहचान की है। अब इधर जहान मोहम्मद मानने के लिए तैयार नहीं है और पठान आपस में विचार करते हैं कि हम जहान मोहम्मद को मार डालेंगे, क्योंकि इसके एक की वजह से दूसरे मुसलमान भी भटकेंगे और दूसरे मुसलमान भी उस वैरागी के पास जाएंगे। अब रात को 10-12 पठान मिलकर के आते हैं, श्रीजी साहब बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सामने तफसीर हुसैनी रखी हुई थी, दोनों तरफ महिला और पुरुष सुंदर साथ बैठे हुए हैं, श्री जी के सामने दो रहले रखी हुई है, दोनों तरफ पीतल के दिए जल रहे हैं और उसके प्रकाश में एक तरफ कुरान हदीस रखा जाता है, दूसरी तरफ भागवत या फिर दूसरे हिंदू धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं। श्री जी जब चर्चा करते हैं तो आवश्यकता अनुसार भवानी भट्ट या मुकुंद दास ये हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ करके सुनाते हैं और इसी तरह से लालदास जी हैं जो हुसैनी तफसीर को पढ़ करके सुनाते हैं कि जहां प्रमाण की आवश्यकता पड़े सुंदर साथ उस प्रसंग को खोल करके सभी सुंदर साथ को चर्चा में सुनाते हैं। इस तरह से श्री जी की चर्चा चल रही होती है तो कुछ 8-10 पठान आकर के कहते हैं कि बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हो? तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान? तुम टीका और माला भी धारण करते हो और कुरान पढ़ते हो, तुम्हें ऐसी अनुमति किसने दी? ये हमें मंजूर नहीं है कि तुम हिंदू होकर के हमारे कुरान को अपने कान से भी सुनो। श्री जी कहते हैं कि तुम हमें मना करने वाले कौन हो? तुम हमें कैसे मना कर सकते हो? खुदा और रसूल से हम प्रेम करते हैं, हमें परमात्मा से प्रेम है, हम कुरान की बात को मानते हैं और तुम उसको ढकते हो, तुम्हें ये बात किसने सिखाई? इतने में जहान मोहम्मद बोलते हैं उन पठानों को कि किसके सामने बोल रहे हो तुम? जरा तुम होश में हो, तुम्हें कुरान की तालीम देने वाला मैं हूं। क्योंकि जहान मोहम्मद ने उनमें से कई पठानों को तालीम दी थी,
जैसे ही जहान मोहम्मद बोल पड़े इतने में मीन खान को भी जोश आया जबराइल का। इसी तरह से गाजी खान अव्वल खान इन सब को जोश आया। सारे जो सुंदर साथ बने थे मुसलमानों में से सब अपने अपने जगह पर उठकर खड़े हो गए। अब क्योंकि ये तो 8-10 आए थे, सोचा था कि सीधे साधे हैं, धमका लेंगे, लेकिन जैसे ही ये जो मुस्लिम से सुंदर साथ बने थे अपने अपने जगह पर खड़े हो गए, तो वो पठान ये कह करके चलते बने कि ए भगत जी हम जात हैं, हमको कीजिए माफ, हम तो अब जात हैं, हमारे दिल हुए साफ, हमें माफ कर दो, हम यहाँ पर भ्रांतिवश आए थे, अब हमें पहचान हो गई, अब हमें पता चल गया है। इस तरह वहां से तो चले गए छल करके, झूठ बोल करके कि हमें पहचान हो गई, लेकिन आपस में अपने सैनिकों की छावनी में जाकर के सबको भड़का दिया, उकसा दिया कि जो वैरागी हैं ये हमारे इस्लाम के लिए खतरा है। आज भी तो मुसलमान क्या करते हैं, अगर अपने सैनिकों को या फिर साधारण मुसलमानों को भड़काना है तो फिर बार बार यही नारा दिया जाता है कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अगर कोई इस्लाम के कट्टर शरीयत पर तार्किक सवाल भी पूछ दे तब भी इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोजा या रमजान का सही अर्थ करने लग जाए, बकरीद का सही अर्थ करने लग जाए, तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुरान के उन मिलावटी आयतों को हटाने की बात करे तो इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। अगर कोई तीन तलाक हलाला जैसी कुप्रथाओं को हटाने की बात करता है तब भी इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो इस तरह से अब उस समय भी वो मुस्लिम पठान सैनिकों के पास जाते हैं और श्री जी के विरुद्ध सुंदर साथ के विरुद्ध भटकाने लगते हैं, उकसाने लगते हैं कि इस्लाम खतरे में आ रहा है। और उसी समय एक दुर्घटना कहें, एक बुरी घटना घटित तो होती है कि राजा भाव सिंह का देहावसान हो जाता है, उनका तन छूट जाता है। और कारण क्या था इसका, उसका कारण ये था कि पहले तो ज्ञान दृष्टि से उसने श्री जी के स्वरूप की पहचान की, उसके बाद फिर ये शर्त रखी कि अगर मेरे मुस्लिम दरबारी आपको स्वीकार कर लेंगे कि आप ही आकरलिमा मोहम्मद मेहदी हैं तो मैं मान जाऊंगा और औरंगजेब से युद्ध करूंगा। और वो भी हो गया, चार में से तीन तो मान गए थे, चौथा भी मान रहा था पर स्वीकार नहीं कर रहा था। तो अब भाव सिंह को विश्वास हो चुका है, लेकिन अंतिम में फिर एक और शर्त रखते हैं कि एक बार मुझे परम धाम का दर्शन करा दीजिए। श्री जी को पता है कि उनमें अभी वो पात्रता नहीं है, बिना पात्रता के ऐसे ही दर्शन कोई खैरात थोड़ी है कि बांटते फिरेंगे। उसके लिए थोड़ा त्याग लगता है, थोड़ी साधना लगती है। भाव सिंह भले ही कितने भावुक हैं, लेकिन रजोगुणी प्रवृत्ति तो है ही अभी, और बिना साधना के अगर वो प्राप्त करते, भाव में बहुत ज्यादा था और वो सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जिद छोड़ी नहीं, आपको पता है तीन प्रकार के हठ में से स्त्री हठ का वर्णन तो आपने सुन ही लिया है बालवाई के प्रसंग में। बाल हठ मिहिर राज जी का ही देख सकते हैं, किस तरह से हठ पूर्वक देवचंद्र जी के पास प्रथम बार गए थे। अब यहाँ राज हठ का भी उदाहरण देख लीजिए। तीन प्रकार के हठ होते हैं, तीन प्रकार के लोग जिद्दी होते हैं, बालक, स्त्री और राजा। तो यहाँ राज हट है, वो जिद पर आ गए कि नहीं श्री जी एक बार दर्शन करा दीजिए, एक बार दर्शन करा दीजिए। अब उसके हट को देख करके श्री जी ने कहा अच्छा ठीक है बैठो। उनकी सुरता को वो परमधाम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। पहले अष्टावरण युक्त 14 लोग को पार किया, जैसे ही योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया। योग माया कहने को आप चितवनी जब करते हैं, तारतम वाणी पढ़ते हैं और बारंबार सुन सुन करके आपको योग माया कुछ नहीं लगता, क्योंकि आप अपने आप को मानते हैं ब्रह्म सृष्टि। ठीक है, भले ही हमारी रहनी कैसी भी हो,
लेकिन आप में से किसी को भी कह दिया जाए कि आप सत्स्वरूप की पहली बहिष्ट में जाओगे, आप कहोगे नहीं, हमें तो परम धाम ही जाना है। क्यों? निस्बत के कारण है ना। लेकिन योग माया का जो सौंदर्य है वो ऐसा है कि इस संसार की जो सौंदर्य की परम सीमा है, उस सौंदर्य से करोड़ों गुना सुंदर योग माया की भूमि है। तो योग माया की भूमिका में जब उनकी सुरता ने प्रवेश किया, अब उस सौंदर्य में वो मंत्रमुग्ध हो गए, और उसी सौंदर्य में जब डूब गए तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं होता। परम धाम की तरफ जाने के लिए उनका जो चित्त है, उनकी जो सुरता है, अब आगे निकल ही नहीं पा रही थी योग माया के सौंदर्य से, और वापस भी नहीं आ पा रही थी। इस तरह से उनकी सुरता वहीं पर डूबी रही, उसी में अटकी रही, और इधर उनका तन छूट गया। कई बार सुंदर साथ इस प्रसंग का उदाहरण दे करके दूसरे सुंदर साथ को चितवनी न करने का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि चितवनी की क्या जरूरत है, सेवा पूजा कर लो, मेहर सागर का पाठ कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, वाणी का अखंड पारायण कर लो, भंडारे लगा लो, क्योंकि चितवनी करोगे अगर यहाँ पर राज्य दिख गए तो तुम्हारा तन छूट जाएगा। पहली बात तो यह है कि भाव सिंह के तन छूटने का कारण यह है कि अभी उनमें वो योग्यता नहीं आई थी, केवल हठ के कारण, अभी वो पूर्ण त्याग नहीं था। अगर समर्पण की भावना होती तो श्री जी की बात पर वो समर्पित होते, उनको इतना विश्वास होना चाहिए था। श्रद्धा है, ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं है, पर वो श्रद्धा कहीं ना कहीं ज्ञान जनित है, पहचान इस तरह की नहीं है। अगर श्री जी के स्वरूप पर पूर्ण विश्वास होता, पूर्ण पहचान होती, तो उसको श्री जी के आदेश पर भी विश्वास होना चाहिए था। जैसे मिहिर राज जी को श्री देवचंद्र जी के स्वरूप पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए उनको जब साधना छोड़ने के लिए भी कहा जाता है तो वो साधना छोड़ देते हैं और खेता भाई को जगाने के लिए जाते हैं, खेता भाई को प्रबोधने के लिए जाते हैं। हम तो अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, यदि हमें हमारे सद्गुरु कहें कि अभी तुम्हारी साधना का समय नहीं हुआ है, अभी तुम्हें सेवा करनी है, हम कहेंगे कि नहीं, आप ही अकेले साधना करते रहते हैं, हमारी साधना कब पूरी होगी, हमें भी तो अपने लिए कुछ करना है। वास्तव में जो हम सद्गुरु पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, वो क्या कर रहे हैं उस पर नहीं, वो क्या कह रहे हैं उस पर अमल करते हैं, तो हमें पात्रता बनती जाती है। अन्यथा आप अपने मर्जी से प्रयास कितना भी कर लें, बिना सद्गुरु की कृपा से आप अध्यात्म की उच्चतम अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। तो पहला कारण ये था। और दूसरी बात कि राज्य का दर्शन करने से अगर तन छूटना होता तो भाव सिंह के अलावा कितने ब्रह्म मुनियों ने, कितने परमहंसों ने परम धाम का और राज्य का दर्शन किया। देवचंद्र जी का भी तन नहीं छूटा, मिहिरदास जी का तन भी नहीं छूटा, और जितने ब्रह्म मुनि हैं हमने उदयपुर के प्रसंग में देखा, दिल्ली के प्रसंग में देखा कि अपनी इच्छा के अनुरूप सुंदर साथ को राज्य के दर्शन होते हैं। जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विधि कहा है, तो किसी का तन नहीं छूटा। और तीसरी बात कि अगर राज्य का दर्शन करने से तन छूट जाता है तो क्या परेशानी है, पहली बात छूटेगा नहीं, लेकिन अगर छूट भी जाता है तो क्या हमें डर है इस बात का कि राज्य दिखेंगे, तन छूट जाएगा तो माया छूट जाएगी, ये डर है। फिर तो मैंने उस दिन रिजवी खान के प्रसंग में भी कहा था, औरंगजेब के जो पांच दरबारी हैं, जिनमें से रिजवी खान को जब कहा जाता है, कांजी भाई कहते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे पास खुशखबरी लेकर के आए हैं, कयामत की बात लेकर के आए हैं, तो रिजवी खान क्या कहता है कि तुम कयामत की बात लेकर के आए हो और इसको खुशखबरी कहते हो, तुम्हें तो मार डालना चाहिए, क्योंकि कयामत में तो हमारा तन ही छूट जाएगा, अभी तो हमारे दिल में पत्नी बच्चे घर की इच्छा है, संसार की इच्छा है। ये रिजवी खान की बात कह रहा हूं मैं, जिसको कोई पहचान नहीं है, जो शरीयती मुस्लिम है,
अगर हम राज्य का दर्शन करते हुए इस बात से डरते हैं कि हमारा तन छूट सकता है तो हम में और उसमें कोई खास फर्क नहीं है और उल्टा हम उससे गए गुजरे हैं क्योंकि उसको तो पहचान नहीं है, उसके पास वाणी नहीं है, हमारे पास वाणी है, फिर भी हम डर रहे हैं। एक तरफ वाणी कहती है कि जो हक देखे टिक्या रहे सोई अर्श के तन, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां राज्य देखने के बाद भी रहती हैं, तो हमें इतनी पहचान होनी चाहिए। तो भाव सिंह का अब देहावसान हो जाता है। जैसे ही भाव सिंह का तन छूटा, अब फतेह मोहम्मद ने भाव सिंह के दरबार पर कब्जा कर लिया, उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। और इनकी ये प्रवृत्ति रही है, आप देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में जिन जिन हिंदू राजाओं ने इनको शरण दिया है, उन्होंने उनके अति विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए उस राज्य पर ही कब्जा कर लिया है, छल पूर्वक वहां के राजा की हत्या करके। चाहे आप कश्मीर को देख लें, चाहे आप गुजरात को देख लें, सब जगह पर ऐसा ही हुआ है। और यहां भी भाव सिंह के राज्य में ये लोग रह रहे थे, भाव सिंह ने इनको दरबारी बनाया है, लेकिन भाव सिंह का देहावसान होते ही फतेह मोहम्मद उस राज्य पर कब्जा कर लेता है। और क्योंकि औरंगजेब का तो समर्थन था ही, ये औरंगजेब के ही वास्तव में दरबारी थे जो भाव सिंह के यहाँ पर रह रहे थे, काम कर रहे थे। अब उसने क्योंकि पहले ही उन पठानों ने जो 10-12 लड़ने के लिए आए थे, उन्होंने छावनी में ये बात फैला रखी है कि श्री जी को पकड़ना है, उन वैराग्यों को पकड़ना है। तो भाव सिंह के देहावसान के तुरंत बाद फतेह मोहम्मद के सैनिक अब श्री जी और सुंदर सात को ढूंढते फिरते हैं, पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए, सताने के लिए। अब श्री जी साहेब उसी फतेह मोहम्मद की गली में उसी के हवेली के पास ठहरे हैं। एक मुल्ला को वहां पर बुलाया है और कुरान का अनुवाद करा रहे हैं। 3 दिन तक उसी जगह पर रहते हैं, लेकिन ये ढूंढता नहीं है। एक साधारण कहावत कही जाती है ना कि दिया तले अंधेरा, जैसे साधु कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे। तो इसी तरह से वो सोच भी नहीं सकता था फतेह मोहम्मद कि जिन वैरागियों को मैं शहर में जगह जगह ढूंढते फिर रहा हूँ, वो मेरी ही गली में, मेरे ही मोहल्ले में आकर के ठहरे होंगे। इसलिए वहां तो उसने सोचा ही नहीं, बाकी सब जगह पर ढूंढता रहा। तो श्री जी तो कुछ सुंदर साथ के साथ वहां पर है, बाकी सारे सुंदर साथ औरंगाबाद से निकल चुके हैं। एक दिन तीसरे दिन भवानी भट्ट उन सैनिकों के हाथ लग गए, भवानी भट्ट को पकड़ लिया। जैसे तैसे करके उन सैनिकों के हाथ से छूट करके वो भागे और वहां से वो बच गए। फतेह मोहम्मद के जो सैनिक थे वो ढूंढते रहे, भड़कल दरवाजे के पास तक पहुंचा, अलग अलग जगह पे लोगों से पूछताछ करते रहे, तो सब लोगों ने जवाब दिया कि देखो वो वैरागी तो निकल चुके हैं, पहले ही निकल चुके हैं, अब तुम उनको ढूंढने के लिए मत भटको। अब जहान मोहम्मद किसी काम से फतेह अल्लाह के घर गए हुए थे, तो वहां आसपास में उन्होंने सुंदर साथ को देखा। सुंदर साथ को श्री जी की खबर पूछी तो पता चला श्री जी पास की हवेली में है। जहान मोहम्मद जाकर के श्री जी से कहते हैं, श्री जी साहेब ये तो दज्जाल की जगह है, ये फतेह अल्लाह कि हवेली के पास का मोहल्ला है और इसके आदमी आपको जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाइए। अब जैसे ही दिन डूबने लगा, शाम के समय में जितना लिखा गया था उसको लेकर के अब वहां से रातों रात निकलते हैं और 7 कोस की यात्रा वो रात भर में तय करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब औरंगाबाद से निकल करके श्री जी पहुंचते हैं बुढ़ानपुर। बुढ़ानपुर में जाकर के 4 चिट्ठियां लिखी जाती है औरंगाबाद के लिए, फतेह अल्लाह उसको भेजा जाता है, एक काजी हिदायतुल्लाह खान पर, एक दीवान को भेजा जाता है और एक दलेल खान को भेजा जाता है। शेख बदल और लाल खान
को ये चिट्ठी भेजी जाती है और बुढ़ानपुर से निकल करके श्री जी पहुंचते हैं आकोट में। अब महामति श्री लालदास जी कहते हैं कि औरंगाबाद की बीतक थी, अब आगे आकोट की बात कहने जा रहे हैं। और आकोट की बात में एक प्रसंग आता है, एक प्रकरण है जिसका शीर्षक है शुक्राना आकोट का। शुक्राना किसे कहते हैं और इसका यहाँ पर, इस प्रकरण का यहाँ पर क्या औचित्य है? ब्रह्म सृष्टियों के पांच विशेष लक्षण बताए हैं, जैसे माया के लक्षण है ना, उसी तरह से ब्रह्म सृष्टियों के भी लक्षण हैं। वो कौन से हैं? महामति कहे ईमान इष्ट की शुक्र गरीबी सबर। ब्रह्म सृष्टियों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अनन्य प्रेम होना चाहिए और पल पल राज्य को धन्यवाद देने की कृतज्ञता की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसी तरह से विनम्रता होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। पांच में से एक लक्षण है शुक्रिया अदा करना अथवा धन्यवाद देना, कृतज्ञता जताना। पर इसका यहाँ पर क्या औचित्य है? तो इसका औचित्य ये है कि कुछ सुंदर साथ के मन में ये शंका घर कर गई थी कि अगर श्री जी अक्षरातीत होते तो हमें इतना कष्ट क्यों आता है। और ये शंका आना भी स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक है? देखिए, प्रेम जी, नाग जी और संग जी दिल्ली आए हुए थे और तीनों ने श्री जी की चर्चा में राज्य का दर्शन किया था, देवचंद्र जी का दर्शन किया था और वहां से उन्होंने सब लोगों के लिए चिट्ठी लिखी थी सुंदर साथ के लिए, जिसमें ये लिखा था कि श्री देवचंद्र जी तो यहाँ पर विराज हुए हैं और वहां से नागजी और संग जी जैसे ही वापस नौतनपुरी जाने के लिए निकलते हैं तो वापस जाते हुए सब सुंदर साथ को अपनी ही चिट्ठी के विपरीत बात करते रहते हैं और फिर नौतनपुरी पहुंचने के बाद चिट्ठी लिखते हैं कि तब ठर ठर पाती लिखी अपने फिरे की मत कोई लियाइयो ईमान तरफ श्री जी साहेब जी। वो लिखते हैं कि श्री जी साहेब पर कोई ईमान लेके मत आना। तो सोचिए कि माया कितनी बलशालिनी है। यहां पर भी छठे दिन की लीला में भी ऐसा होता है, सुंदर साथ को चितवनी करते हुए कभी कभी राज्य के थोड़े अनुभव होते हैं, कभी कभी चर्चा सुनते हुए भी अनुभव होते हैं, कभी कभी निद्रा में स्वप्न अवस्था में कुछ अनुभव होते हैं, कभी राज्य के प्रत्यक्ष मेहर वो देखते हैं, मृत्यु से बचने का अनुभव भी वो करते हैं और उन्हें लगता है कि राज्य की मेहर है। फिर धीरे धीरे दो दिन चार दिन महीना दो महीना साल बीतते बीतते राज्य की उस मेहर को वो भूल जाते हैं और पुनः माया में डूब जाते हैं। और यदि इसके बदले में पल पल राज्य को धन्यवाद देने की प्रवृत्ति होती कि राज्य आपने हम पर मेहर जो की है उसके लिए आपको शुक्रिया है, तो राज्य की मेहर याद रहती, राज्य याद रहते और माया का दुष्प्रभाव नहीं होता। तो उन सुंदर साथ के मन में अब धीरे धीरे इस बात का संशय घर कर रहा है कि श्री जी अगर अक्षरातीत होते तो हमें ऐसा कष्ट क्यों आता। मंदसौर में 8 महीने तक भिक्षा मांगनी पड़ी है, फिर यहाँ भावसिंह के देहावसान के बाद फतेह अल्लाह के सैनिक बार बार ढूंढते फिर रहे हैं, यहाँ भी तो छिपना पड़ रहा है ना, और जब भी छिप रहे हैं तो भिक्षा मांग करके ही पुनः गुजारा करना पड़ रहा है। तो सुंदर साथ के मन में अब संशय घर कर रहा है। उन सभी सुंदर साथ को श्री जी ने आकोट में प्रबोधित किया था और समझाया था, तो उसी प्रबोध को श्री लालदास जी ने इस शुक्राना नाम के प्रकरण में वर्णित किया। और क्या कहते हैं प्रारंभ में, उन्होंने कहा कि इन जिमी में आज लो वेद कतेबों करी खोज, पर ठोर अक्षर न पाया त्रिगुण थके खोज ले बोझ। आज तक इस संसार में वेद और कतेब पक्ष का सहारा लेकर के सभी लोगों ने खोज की, जो हिंदू साधु संत ऋषि मुनि संत तपस्वी थे
उन्होंने वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथों का सहारा लिया और परमात्मा की खोज की यात्रा प्रारंभ की। इसी तरह से बहुत सारे पीर फकीर हुए, पैगंबर हुए, उन्होंने भी अपनी परंपरा में जो धर्म ग्रंथ हुए कतिब पक्ष के, उनके आधार पर खोज की। लेकिन कोई भी इस नश्वर 14 लोक के ब्रह्मांड से परे या स्वर्ग वैकुंठ निराकार से परे योग माया की भूमिका तक भी प्रवेश नहीं कर सका, अगर अक्षर की पंचवासना को छोड़ दिया जाए। ये राज्य की मेहर की बात कर रहे हैं, पर आप सोचेंगे कि अचानक से ये अक्षर ब्रह्म की बात कैसे आ गई या साधु संतों की बात कैसे आ गई। तो इसके विषय में मैं पहले भूमिका बताता हूँ। राज्य की कृपा दो प्रकार की होती है, एक जाहिरी और दूसरी बातिनी, अर्थात एक जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और दूसरा परोक्ष रूप से अनुभव में आता है। जाहिरी मेहर हर किसी के लिए दृश्य हो सकता है, दिखाई पड़ सकता है, हर कोई समझ सकता है, लेकिन बातिनी मेहर हर कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, जाहिरी मेहर और बातिनी मेहर में, बातिनी मेहर भी जीव ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि तीनों के लिए भिन्न भिन्न है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी प्रसंग में हम इसकी चर्चा भी करेंगे। तो दो प्रकार की मेहर है। जाहिरी मेहर किसे कहेंगे? जिसको हम अपने इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी बीमारी से रक्षा हो गई, किसी को अच्छे परिवार में जन्म मिला, अच्छा रिश्ता मिला शादी वगैरह के लिए, ये सारी बातें हम जाहिरी मेहर में गिनते हैं। मान लीजिए एक्सीडेंट से रक्षा हो गई तो हम कहेंगे कि राज्य की बड़ी मेहर है हम पर, तो ये जाहिरी मेहर है। लेकिन बातिनी मेहर क्या है, जिसका वर्णन अभी कर रहे हैं। पहले बातिनी मेहर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तक इस संसार में किसी को अक्षर तक की भी सुध नहीं थी। किसी ने धर्म ग्रंथों को लेकर के खोज भी किया तो कहां तक का वर्णन किया? कहते हैं, और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन, जिनो नेत नेत पुकारिया, खबर नहीं त्रिगुण। धर्म ग्रंथों के शब्दों को लेकर के किसी ने खोज करने का प्रयास भी किया तो कहने लगे नेति नेति, अर्थात न इति न इति, ऐसा नहीं है। परमात्मा की खोज करते रहे और कहने लगे ऐसा नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े कहते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है, पर कैसा है इसके बारे में वो नहीं बता पाए। इतना तो पता चल गया कि परमात्मा ऐसा तो नहीं है, पर कैसा है नहीं पता। तो उन्होंने उपनिषद में नेति नेति शब्द का प्रयोग किया। तो अक्षर और अक्षरातीत की किसी को पहचान ही नहीं है। जो त्रिगुण से ये सृष्टि बनी है और त्रिगुणात्मक जीव जितने भी है, क्योंकि सभी जीव सृष्टि त्रिगुणात्मक ही तो है ना, सतगुणी रजोगुणी और तमोगुणी जीव है, किसी को भी ब्रह्म के स्वरूप की पहचान नहीं की। कहते हैं अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकर बताया, दृढ़ कर दिया ईमान। राज्य ने क्या किया, हमारे हाथ पकड़ करके बताया कि ये परम धाम है। हाथ पकड़ करके बताने का तात्पर्य क्या है कि हमें कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आपको अगर क ख लिखना, ABCD लिखना सिखाना है तो शुरू में क्या करते हैं, उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा दिया जाता है और बड़े लोग उस बच्चे के हाथ को पकड़ करके क बनाते हैं, ख बनाते हैं, इसी तरह से ABCD या 1-2 कुछ भी बनाते हैं। उसमें उस बच्चे का एफर्ट कितना होता है, कितना प्रयास होता है बच्चे का, शून्य के बराबर। केवल पेंसिल पकड़ना है, बाकी सारा परिश्रम उनके माता पिता का, अभिभावकों का होता है। ब्रह्म सृष्टियों को यहाँ कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। राज्य ने ब्रह्मात्माओं को सरलतम तरीके से परम धाम का वो ज्ञान दिया हाथ पकड़ करके, कि ब्रह्मात्माओं को प्रयास केवल उसको ग्रहण करने के लिए करना था और कुछ नहीं करना था। ये राज्य की मेहर है, ये राज्य की बातिनी मेहर है। आगे क्या कहते हैं, दे गुण पख इंद्री साहिदी और शास्त्रों के वचन।
गुण पथ इंद्रियों से साक्षी दी अर्थात हर प्रकार से उन्हें प्रमाण दिया, शास्त्रों के प्रमाण दिए, प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, साधुओं के वाणियों का उदाहरण दिया। और आगे क्या कहते हैं, जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की शुद्ध, अक्षर ब्रह्म को जिस परम धाम की शुद्ध जागृत अवस्था में भी नहीं थी, हम क्या कहते हैं, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध के लिए कर। कि परम धाम में कैसी प्रेम लीला होती है उसका वर्णन या उसका ज्ञान अक्षर को जागृत अवस्था में भी नहीं था। कहते हैं सो संयों को दई जागृत हृदय की बुद्ध राज्य ने, जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया जिसमें राज्य ने अपने हृदय को निकाल करके बताया है। तीन बुद्ध संग तारतम सब कही हकीकत धाम, सो वतन सैयन का जाहिर किया इष्टम, राज्य ने अपनी कृपा दृष्टि से तारतम्य ज्ञान के द्वारा परम धाम की सभी लीलाओं को यहाँ जाहिर किया है। आज सोचिए वो अक्षर ब्रह्म जो जागृत अवस्था में भी नहीं जान पा रहे थे, आज एक 10 वर्ष का बच्चा भी अगर वाणी प्रतिदिन पढ़े ना पढ़े, केवल सेवा पूजा भी करता होगा, तो वो अपने मुख से परम धाम में होने वाली राज्य और ब्रह्म सृष्टियों की लीला का वर्णन कर पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, वन सीचत अमृत अगाध, पशु पंछी का मुजरा लेवे सुख नजर सबो लेवे, ये सब क्या है, ये परम धाम की लीला है। आज एक 10 वर्ष के बालक को भी जो सेवा पूजा करता होगा उसको इस बात का पता चलेगा चौपाइयों के माध्यम से। इसी तरह से मारा वाला जी चलो यमुना जल झीलिए, परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां और राज्य के बीच में जो झीलना होती है। दोपहर के राजभोग में आप देखिए सैया केतिक वन में जावे, साक पान मेवा सब ले, ये सब क्या है, राज्य और ब्रह्म सृष्टियों के बीच में परम धाम में होने वाली प्रेम लीला है। और सोचिए कि जो सुंदर सा था वाणी पढ़ता है उसे कितना पता चलेगा उसमें, तो आज तो राज्य ने अपने हृदय को खोल करके बता दिया है। सोचिए कि अपने समस्त श्रृंगार का वर्णन किया, अपनी प्राणेश्वरी ब्रह्मात्माओं के श्रृंगार का, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन किया, किस लिए, हमारे लिए, और हमें लाभ देने के लिए। उन जीवों को भी वो सौगात मिली, उन जीव सृष्टियों को भी, अगर ब्रह्म सृष्टियां नहीं आई होती तो जीव सृष्टियों को कभी भी ब्रह्म लीला के बारे में पता चल ही नहीं सकता था, और वो हुई हमारी बदौलत। तो ये राज्य की हम पर कृपा है, बातिनी मेहर है। और बातिनी मेहर क्या कहते हैं, धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप बिहार, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। राज्य के हृदय में जो कुछ भी बातें हैं वो तारतम वाणी में राज्य ने दे दिया। क्या कहते हैं, मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। आगे कह रहे हैं श्री जी कि जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए, जिसका अभी वर्णन किया वो अक्षर के पास भी नहीं है। जब अक्षर ब्रह्म के पास नहीं है तो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास या फिर त्रिगुण आत्मिका प्रकृति से उत्पन्न जीवों के पास कैसे हो सकती है। और राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों को वो जगह बताई, ए मेहर मोमिनो पर सबो पाई इनो सोहबत, कि ये राज्य की ब्रह्मात्माओं पर मेहर है कि ब्रह्मात्माओं की संगति से, ब्रह्मात्माओं की सोहबत से आज जीवों को भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये राज्य ने हम पर मेहर की। इसी प्रकार आगे क्या कहते हैं, जाहिरी मेहर की बात कर रहे हैं। कहते हैं पहले मूल ब्रज मिने तित पड़े विघन, ब्रजमंडल में कैसे कैसे विघन पड़े आपको पता है, कितने राक्षस राक्षसियों को कंस ने भेजा था, अघासुर है, बकासुर है, पूतना है, उत्कच है, कालिय नाग है, इन सभी राक्षसों से रक्षा की, इंद्र प्रकोप से रक्षा की, क्या क्या नहीं किया, ये सब क्या है, राज्य की जाहिरी मेहर है। और
हमने तो उस ब्रज में लीला की। केवल रक्षा की बात नहीं है, रक्षा तो राज्य की मेहर है ही, पर हमने ब्रज की उस लीला में भाग लिया था, जिस ब्रज को कहते हैं आज लो ब्रह्मांड में सब वंदे ब्रज रैन, पावत नहीं ब्रह्मादिक तित थे मोमिन बीच चैन। अभी दो दिन पहले की बात है, मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक बालक है, गोलू मोलू सा, लगभग 14-15 साल का हो, और वो वृंदावन में है। वैसे ही वस्त्र उसने धारण कर रखे हैं और बिना चप्पल बिना जूते के वो चलता है। अभी तो गर्मी है, सोचिए बिना जूते चप्पल के चलना। और उसको कोई पूछ रहा है, चलिए गर्मी तो खैर सहन हो जाए, अभी वर्षा का मौसम है, लेकिन उसके भाव को देख करके मैं दंग हो गया। उसको किसी ने पूछा कि तुम चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते, जूते चप्पल कहाँ है तुम्हारे, तो कहता है कि मैं, मेरे पास है पर मैं पहन नहीं सकता यहाँ पर ब्रज मंडल में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ की ब्रज के रेणु को ग्रहण करूं, ब्रज की जो धूली है उसको ग्रहण करूं, वहां यहाँ पर मैं चप्पल पहन करके नहीं चल सकता हूँ। सोचे कैसा भाव है, और ये भाव केवल उस बच्चे का नहीं है। भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें कहते हैं कि जो ब्रह्म मुनि हैं वे मुझे ब्रह्मा शिव जी या तुम या मेरी स्वयं की आत्मा से भी अधिक प्रिय है, और उनकी चरण धूलि पाने के लिए मैं उनके पीछे पीछे घुमा करता हूं। और ब्रज में उन ब्रह्मात्माओं की चरण धूलि है। आज भी बड़े बड़े संत जो ब्रज लीला में आस्था रखते हैं, जो श्री कृष्ण जी को मानते हैं, वो ब्रज में जाते हैं तो वहां की धूलि में लोट पोट होते हैं और स्वयं को कृतार्थ मानते हैं। सोचिए ब्रज का वो महत्व है, ब्रज की धूलि का वो महत्व है। और सोचिए कि उस ब्रज में हमने लीला की है, वो चरण धूलि किसकी मांग रहे हैं, उन ब्रह्म सृष्टियों की जिन्होंने ब्रज में लीला की। और वो ब्रह्म सृष्टि कौन है, वो ब्रह्म सृष्टि हम हैं। तो ये राज्य की प्रत्यक्ष कृपा है हम पर। इसी तरह से हम जब रास में गए, वो रास कहते हैं जिनको सुनने की ताकत त्रिगुण के पास भी नहीं है, वहां हमने लीला की। सोचिए कि उस रास का वर्णन कर रहे थे सुखदेव जी, तो परीक्षित से सहन ही नहीं हुआ, हजम ही नहीं हुआ, बीच बीच में टोकता रहा और कहा तब भागे जोश कहे पंच अध्याय, रास वर्णन हुआ न तीन ताई। उस रास में हमने प्रवेश किया जहां त्रिगुण प्रवेश नहीं कर सकते थे, जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना ही नहीं, उसमें हमने लीला की। और ये राज्य की मेहर है। और दूसरी बात कि उस रास का वर्णन हम ब्रह्मात्माओं की जागनी के लिए ब्रह्मवाणी में सर्वप्रथम रास ग्रंथ में कर दिया है। उस रास की रात्रि को ढूंढने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए। सोचिए कि बड़े बड़े भक्त हुए, चाहे वो वल्लभाचार्य जी हो, चाहे वो नरसिंह नरसिंह मेहता हो, चाहे मीरा हो, या जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, संत हुए, जो भागवत को पढ़ते हैं, मानते हैं, वो रास को जानना चाहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि यहीं के ब्रजमंडल में, यहीं के वृंदावन में रास की लीला हुई थी। पर ऐसा नहीं, उन्हें पूछा जाए कि अगर यहीं के वृंदावन में रास की लीला हुई हो तो महाप्रलय में तो इसका नाश होने वाला है, और रास को तो भागवत में अखंड लिखा है, दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम, तो वो अखंड योग माया कैसे रह सकता है महाप्रलय में, किसी के पास उत्तर नहीं है। बेचारे भावुक हैं, पर क्या करें, उन्हें पहचान नहीं है। और उस रास की लीला में हम शामिल हुए। इसी तरह से तीसरा जो दिन है उसमें भी कई तरह के चमत्कार दिखाए। चौथे दिन की लीला में श्री देवचंद्र जी के द्वारा जो जागनी हुई, और ये जो पांचवा दिन है, पांचवें दिन अर्थात श्री जी के तन से जो लीला हुई,
इन पांचों दिनों में राजी ने पल पल ब्रह्मात्माओं पर मेहर की है। छठे दिन के विषय में भी संकेत किया है यहाँ पर कि किस तरह से छठे दिन ब्रह्म सृष्टि के द्वारा जागने की लीला होगी। ये सब राजी की मेहर है, ये राजी की कृपा है। इस प्रकार जाहिरी बातिनी दोनों कृपा के विषय में बता रहा है। और क्या कहते हैं कि देखो राजी ने ब्रह्म सृष्टियों को अपने तीनों सूरत की पहचान दी, बसरी मलकी और हक की तीनों सूरत की पहचान कते परंपरा के अनुसार। बसरी सूरत कहते हैं ब्रज मंडल में लीला करने के बाद, रास में लीला करने के बाद, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, अरब में वो शक्ति आती है जो वहां के लोगों को एक परमात्मा के विषय में बताने के लिए कुरान का ज्ञान अवतरित करती है, उसको कहा गया है दूज का चांद। दूसरा जो स्वरूप है जिसको मल की सूरत कहा गया है वो है श्री देवचंद्र जी, जिनको पूर्णमासी का चंद्रमा कहा गया है। और तीसरा जो स्वरूप है हकी सूरत, इनको दोपहर का सूरज कहा गया है। दूध का चांद क्यों कहा? क्योंकि मोहम्मद साहब ज्ञान तो लेकर के आए। दूध के चांद में क्या होता है? केवल चांद दिखता है, उसके प्रकाश में कुछ नहीं दिखता है। मोहम्मद साहब आए उसके बारे में पता सबको है, पर उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान से कोई जागृत नहीं हुआ, इसीलिए उनको दूध का चांद कहा गया है। देवचंद्र जी को पूर्णमासी का चंद्रमा कहा गया है क्योंकि पूर्णमासी में, पूर्णमासी का जब चंद्रमा उगा होता है तो बड़ी बड़ी चीजें दिखाई पड़ती हैं, जैसे पेड़ दिखाई पड़ेंगे, मकान दिखाई पड़ेंगे, अगर इंसान कोई खड़ा है तो भी दिखाई पड़ेगा, पर आप चेहरा देख करके नहीं पहचान पाएंगे दूर से चंद्रमा के प्रकाश में कि इंसान तो है पर कौन है पता नहीं चलेगा। जानवरों को देख करके आप बता देंगे कि ये जानवर है पर कौन सा जानवर है ढंग से पता नहीं चलेगा, और छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो देवचंद्र जी के माध्यम से एक पक्ष का ज्ञान आया, वेद पक्ष का ज्ञान आया, ब्रज की बातें की, रास की बात की, परम धाम की भी बात की, पर उस तन से धर्म ग्रंथ के जो गुह्य रहस्य वो है वो नहीं खुले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देवचंद्र जी नहीं खोल सकते थे, वही राजी हैं, लेकिन उस समय अवस्था नहीं थी, उस समय आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उस तन को वो शोभा नहीं मिली। उन्हीं देवचंद्र जी की शक्ति जब दूसरे तन में प्रवेश करती है तो प्राणनाथ जी को दोपहर का सूरज कहा जाता है, क्योंकि जब दोपहर का सूर्य उगता है तो आप जमीन पर चल रहे छोटी छोटी चींटियों को भी देख सकते हैं। इसी तरह से धर्म ग्रंथों के जो गुह्य रहस्य वो सारे रहस्य श्री प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदत्त इस ब्रह्मवाणी में वो रहस्य निहित है, इसलिए उन्हें दोपहर का सूरज कहा गया है। उनकी पहचान दी हमें, और क्या कहते हैं कि गिरो रब्बानी उतरे हम आवे तीन वास्ते। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां जो आई हैं तो रब्बानी अर्थात परमात्मा की जो वाणी है वो भी अवतरित हुई है, और कहते हैं तुम उम्मीदवार तीन के तुम पहचानियो मुझे। ब्रह्म सृष्टियां उस तारतम वाणी के उम्मीदवार है, उम्मीदवार अर्थात उत्तराधिकारिणी है। कहते हैं एक कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन, तीन कॉल कोई न ले सके बिना मेरे दिल रोशन। ये जो ब्रह्मवाणी है इसको ब्रह्म सृष्टि ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि बिना अंकुर क्या करे आवे नहीं पहचान। अंकुर के बिना पहचान नहीं हो सकती है, और वरना राजी ने तो मेहर करके हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखद अचरज पावही पहुंचे न परवर दिगार। हकीकत और मार्फत के द्वार खोल दिए हैं तारतम वाणी के द्वारा, पर पहचान किसी को भी नहीं हो रही है। कयामत के सातों निशान जाहिर किए जिसमें ईसा रूह अल्लाह का आना 11वीं सदी में उन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो आएंगे तो दज्जाल अपने अपने तरह से पूरा जोर लगाएगा, अपने अपने हथियार दिखाएगा, और उन्होंने क्या कहा दज्जाल अपने चार हथियार दिखाएगा।
जैसे माया के ब्रह्मवाणी में पांच हथियार कहे गए हैं, यहाँ पर कते परंपरा में उसी को चार हथियार में बांटा गया है। उन चारों हथियारों को हम समझते हैं, क्या कहते हैं? पहले दज्जाल का क्या कथन है? देखिए, दज्जाल कोई व्यक्ति नहीं है, पर यहाँ आलंकारिक रूप में वर्णन किया गया है कि दज्जाल ऐसा सोचता है कि मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगा, तिस वास्ते छोड़ो चार फौज करो तैयार। दज्जाल कहता है कि मेरा जोर खत्म हो रहा है। दज्जाल अर्थात अज्ञानता, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग कहा गया है। तो वो कह रहा है कि मेरा जोर नहीं चल रहा है, अर्थात लोग माया में नहीं फंस रहे हैं। तारतम वाणी के आने के कारण माया से लोग निकल रहे हैं। दज्जाल कह रहा है मेरे फंदे से निकल रहे हैं। तो उनको बंधन में डालने के लिए अब मैं चार हथियार, चार फौज तैयार कर रहा हूं। वो चार फौज कौन से हैं? सबसे पहले कहता है एक बेईमान औरत, अर्थात ऐसे स्त्री जिसमें ईमान ना हो। स्त्रियों को दोष नहीं दिया गया है इसमें। निजानंद संप्रदाय में श्री प्राणनाथ जी की वाणी ऐसी वाणी है जो ये कहती है कि नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तीन साहेब कर पूजिया अरस का एह गूज। पर यहाँ उन स्त्रियों को दोष दिया गया है जो भोगवादी हैं, क्योंकि स्त्री को क्या कहा गया है? नारी निर्मात्री भवती है। नारी निर्मात्री होती हैं और होना ही चाहिए। मनुस्मृति का कथन है, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता भी रमण करते हैं। पर जो भोगवादी स्त्री होती हैं वो माया की स्वरूपा है। वो कैसे? इसका वर्णन आगे करते हैं। पहले थोड़ा सा सकारात्मक जो बातें हैं उसको समझते हैं। देखिए, हमारे समाज में वैदिक काल में जब वेदों का प्रचलन था उस समय वेदवादिनी स्त्रियां हुई है। वेदवादिनी स्त्री मतलब वो स्त्रियां जिनको वेदों का ज्ञान था, वो स्त्रियां जो वेदों पर चर्चा परिचर्चा कर सकती थी, जिनमें से गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, इनका नाम आपने सुना होगा। इसी तरह से मध्यकाल में भी हमारे समाज में जैसे पूर्व मध्यकाल है उसमें विद्युत्तमा जैसे विदुषी थी, कालिदास जी की जो पत्नी है, कितनी विदुषी थी कि उनके समय में उन्हें कोई हराने वाला कोई नहीं था। पंडितों को छल करना पड़ा था और छल करके कालिदास को उन्होंने बिड़ा दिया था। इसी तरह से एक देवी भारती हुई है। भारती के विषय में आपने शायद नाम पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा। शंकराचार्य जी का नाम जरूर सुना है आपने। शंकराचार्य जी जब दिग्विजय यात्रा पर निकले थे, सब लोगों से शास्त्रार्थ करते थे, उन्हें हराते थे, तो इसी यात्रा के क्रम में वो वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था मंडन मिश्र। नाम याद रखिएगा, मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ होना था। अब निर्णायक किसको बनाया जाए, क्योंकि शास्त्रार्थ में तो एक निर्णायक भी होता है। तो निर्णायक वही होगा जो उनके विद्वत्ता के स्तर का होगा ना, जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे, व्याकरण पढ़ा होगा, तर्क शास्त्र पढ़े होंगे। तो वहां उस समय और कोई विद्वान ही नहीं मिला जो उनके स्तर का हो, शंकराचार्य जी के मंडन मिश्र के स्तर का हो। तो उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी भारती को निर्णायक बनाया। सोचिए कि वो निर्णायिका कैसी रही होंगी कि जिन पर शंकराचार्य जी को भरोसा है कि ये पक्षपात नहीं करेंगी, अपने पति के पक्ष में निर्णय नहीं देंगी। उनको इतना विश्वास था। शास्त्रार्थ होता है और एक दिन में शास्त्रार्थ खत्म नहीं होता है, बहुत कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलता है। भारती बैठ करके सुनती रहती हैं, दोनों पक्ष को सुनती हैं बारी बारी से। एक दिन भारती जी कहती हैं कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, आपका शास्त्रार्थ तो चलता रहेगा, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी अनुपस्थिति में शास्त्रार्थ को हम रोकते हैं। भारती जी ने कहा नहीं, रोकने की जरूरत नहीं है,
उन्होंने दोनों के गले में फूल की माला पहनाई और कह दिया कि आप अपना शास्त्रार्थ निरंतर रखिए और मैं मेरे जगह पर ये फूल जो है वो निर्णायक रहेंगे, मैं आकर के अपना निर्णय सुनाऊंगी कि कौन जीता है कौन हारा है। भारती जी कुछ दिनों के बाद वापस आती हैं, आकर के देखती हैं तो फूल दोनों के गले के फूल में से शंकराचार्य जी के जो गले में फूल की माला है वो ज्यादा मुरझाई नहीं है, ज्यादा सूखी नहीं है और मंडन मिश्र के गले में जो माला थी वो काफी सूख चुकी है, मुरझा चुकी है। उन्होंने कहा कि मंडन मिश्र हार गए हैं। कैसे हारे? तो कहते हैं कि देखो, जब व्यक्ति हार रहा होता है तो उसको क्रोध आता है और क्रोध में शरीर गर्म हो जाता है और उस शरीर की गर्मी से इनकी फूल की माला मुरझा गई है और शंकराचार्य जी जीत रहे थे, उनके पास तर्क था इसलिए वो शांत थे, इसलिए उनके गले की जो माला है वो सामान्य रूप में तो सभी मालाएं मुरझा जाती है तो सामान्य रूप से ही मुरझाई है, पर मंडन मिश्र की माला सूखी है। लेकिन क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, हम पति पत्नी हैं, इनको जीतने का मतलब है आधी विजय हुई है। अभी अगर आपको इन्हें हराना है तो मुझसे भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और उन्होंने पुनः शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया और ऐसे ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर शंकराचार्य जी के पास उस समय था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गृहस्थाश्रम से संबंधित प्रश्न पूछ दिए। शंकराचार्य जी बाल ब्रह्मचारी और सन्यासी थे, उन्होंने भारती को हराने के लिए क्या किया पता है? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए, महीने दो महीने का समय लिया, योग बल से एक मृतक राजा था जिसका दाह संस्कार करने वाले थे, वो उस मृतक राजा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, सबको लगता है कि राजा जीवित हो गया, वो वापस जाते हैं राजा के घर, रानी से गृहस्थ आश्रम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं वो पूछते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद उस तन को छोड़ करके पुनः, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को बोल रखा होता है कि मेरे शरीर को संभाल करके रखना, वो जो शरीर था उसको कुछ लेप लगा करके, आयुर्वेदिक लेप लगा करके सुरक्षित रखा होता है, वो उस शरीर में प्रवेश करते हैं और पुनः भारती से शास्त्रार्थ करके फिर विजय प्राप्त करते हैं। सोचे कि भारती कैसी विदुषी रही है। तो ऐसी ऐसी विदुषियों का समय था जब तब जाकर के भारत में ऐसे ऐसे महान पुरुष तैयार हुए, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, वीरता के क्षेत्र में देखा जाए तो मैंने विद्वता के क्षेत्र की बात की, अपाला, घोसा, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, मदालसा, उमा भारती, ऐसे ऐसे जो नाम है, चाहे सावित्री जैसे सती हुए, वीरता के क्षेत्र में देखा जाए तो महाराणा प्रताप हुए, चाहे शिवाजी, उनको तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? शिवा अगर तैयार है तो वो जीजाबाई के योगदान के कारण तैयार हुए। अगर जीजाबाई ये सोचती कि मेरे लाडले को कांटा चुभेगा तो भी दर्द हुआ, आजकल की माताएं जैसे छिपकली से बच्चों को डराते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, और मोबाइल क्यों थमाया जाता है पता है? मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूँ, पर क्योंकि समाज के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान माताओं का है, तो अगर प्रशंसा मिल रही है किसी काम को करने से तो उसी काम के न करने पर निंदा भी झेलनी पड़ेगी कि नहीं? जब नारी निर्मात्री भवती कहकर के इतना बड़ा सम्मान दिया, नारी के पास इतनी बड़ी शक्ति है, और किसी विदेशी लेखक ने लिखा है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां जितनी बड़ी शक्ति होती है जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। महिलाओं के पास ये शक्ति है, सुपर पावर है समाज को बदलने का, और अगर उस सुपर पावर का दुरुपयोग करेंगी तो उन्हें झेलना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, समाज के ताने झेलने पड़ेंगे। तो आज उन माताओं को बेईमान औरत कहा गया है जो अपनी शक्ति के साथ ईमानदारी नहीं बरतती, जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानती, और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा किस में लगा रखी है? शरीर को सजाने में, सुंदर दिखने में, और ज्यादा से ज्यादा अपनी सुंदरता से किसी दूसरे को आकर्षित करने में। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज तो जब से ये मीडिया आया है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जिसमें शॉर्ट्स और रील्स बना करके डालने का प्रचलन चला है, आज की जो महिलाएं हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं साफ बता रहा हूँ, स्पष्ट, बोलने सुनने में कड़वा लग सकता है।
आपको पता है, मैं एक कड़वा सच बताता हूँ कि भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, और इस 140 करोड़ की जनसंख्या में जब से ओलंपिक चल रहा है तब से लेकर के अब तक कुल मिलाकर के मेरे विचार से 40 या 42 ओलंपिक मेडल हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अर्थात स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिलाकर के 40 या 42 मेडल होंगे। एक देश है जिसका नाम है हंगरी, उस देश का क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश से भी छोटा है और जनसंख्या देखी जाए तो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, और जितने मेडल्स इंडिया ने अब तक के वर्षों से चले आ रहे ओलंपिक के इतिहास में जीता है उससे ज्यादा वो एक साल में जीतता है। चाइना को देख लीजिए, चाइना और भारत की जनसंख्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर एक तरफ चाइना कम से कम 15 से 20 गोल्ड मेडल जीता होगा इस ओलंपिक में जो अभी चल रहा है, और भारत ने कुल मिलाकर के 3 या 4 मेडल जीते हैं, वो भी गोल्ड एक भी नहीं आया होगा। इसका कारण क्या है पता? चाइना की नीति, कल मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ बेड़ा गर्क होने का कारण क्या है, तो चाइना में एक नीति है कि वहां पर 10 साल के बच्चे को तो फोन चलाने दिया ही नहीं जाता है, सरकारी नियम में है, अगर पकड़ा जाएगा तो वहां सख्त कानून है। उसके बाद 10 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को दिन में कम से कम 4 घंटे तक शारीरिक रूप से ट्रेनिंग देना अनिवार्य है, चाहे वो खेल कूद हो, किसी भी तरह का शारीरिक परिश्रम 4 घंटे का, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और उनका स्क्रीन टाइम पता है कितना है? 14 वर्ष तक के लोगों का स्क्रीन टाइम केवल 1 घंटे का रहता है। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ये सब में मिला करके केवल 1 घंटा, और हमारे यहाँ 1 घंटा नहीं, हमारे यहाँ साधारण बच्चों आजकल जो 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं उनके माता पिता हमारे यहाँ के गौरव महसूस करते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा तो मोबाइल के सारे एप्लीकेशन चलाना जानता है, अभी 3 साल का भी नहीं हुआ, देखो गेम निकाल करके खेलता है, वो गेम नहीं खेल रहा है, आप उसके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और फिर माताओं को समझाया जाए, और मैं तो लगभग पिछले 2-3 साल से तो हर जगह पर बोल रहा हूँ, माताओं को जब कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को फोन मत दीजिए, तो माता कहते हैं कि देखो फोन नहीं देंगे तो बच्चे रोते रहते हैं, खाना भी नहीं खाते, क्या किया जाए? खाना किसका विषय है, दिमाग का कि पेट का? खाना पेट का विषय है, पेट में भूख लगेगा बच्चा जरूर खाएगा, मांग के खाएगा, लेकिन क्योंकि आपने आदत खराब की है, और आपने आदत क्यों खराब की है पता है? आप बच्चों को फोन दे रहे हैं अपने स्वार्थ के कारण, बच्चे के कारण नहीं, आपको इस बात का स्वार्थ है कि बच्चा अगर रोएगा तो मैं शांति से फोन नहीं देख पाऊंगी। तो माँ को एक फोन देखना है तो बच्चे को दूसरा फोन पकड़ा दिया जाता है जो थोड़ा पुराना सा है, या टैबलेट पकड़ा दिया जाता है, और फिर माताएं अपने काम में व्यस्त होती है, जबकि ये सबसे गंदी परवरिश है। और आपको अभी तो लग रहा है कि बच्चा आपका फोन चला रहा है कितना लायक हो गया है, हम तो 20-25 साल के थे तब जाकर के हमारे हाथ में एंड्रॉइड फोन आया था, और हमारे बच्चे 2-2, 3-3 साल में देखो ये सब चलाना सीख गए हैं, लेकिन जब वही बच्चा 6 साल का होगा तब आपको पता चलेगा कि आपने बच्चे को विकास की जगह पर विनाश की गर्त में भेजा है, क्योंकि अब उस रेडिएशन के कारण और उस बाल मन में जो साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से दुष्प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आज आपको पता है फोन में क्या क्या आ सकता है, बच्चा क्या क्या देख सकता है, और जो नहीं देखा जाना चाहिए वो सब देख करके बच्चा वही सीखता है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति भी जो देखता है वो जल्दी सीखता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 घंटे की चर्चा की, वो आपको याद नहीं रहेगा, पर 1 घंटा आपने अगर सीरियल देखा होगा तो वो याद रहता है, तो देखी हुई चीज जल्दी सीखते हैं। लेकिन माताएं अपने स्वार्थ के कारण बच्चों के हाथ में फोन थमा देते हैं और कहते हैं इससे बच्चा रोएगा नहीं, बच्चों को रोने देना चाहिए। बता, मैं आपको एक बात बताऊं,
प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि उम्र भले ही आप सब जितनी माताएं हैं यहाँ पर, आपसे मेरी उम्र कम है, पर हजारों लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, और इस वजह से जो अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अगर अपने बच्चे को, आपका बच्चा अगर बोलता नहीं है ना, गूंगा जैसा है या बोलता नहीं है, तो आप स्पीच थेरेपी करने वाले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तो सबसे पहले डॉक्टर पूछेगा कि आपका बच्चा रोता है कि नहीं रोता है। समझ रहे हैं? तो रोना बुरी बात नहीं है। डॉक्टर कहेगा कि अगर आपका बच्चा रोता है तो वो बोल भी सकता है। समझ रहे हैं? अगर नहीं रोता है, सबसे पहली बात, जब बच्चा पैदा होता है उसको थपकी मार के रुलाई जाती है, तो रोना अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, बेटा रो रहा है, फोन लेके चुप कराया जाता है। आपने नेचुरल जो प्रोसेस है उसको समाप्त कर दिया। किस लिए? अपने स्वार्थ के कारण। तो ऐसे स्वार्थी जो महिला है उसको कहा गया एक बेईमान औरत बचपन से। दूसरा कि मैं श्रृंगार की बात कर रहा था। मनुष्य का श्रृंगार किस में होता है? बाह्य आभूषणों में नहीं, मनुष्य का श्रृंगार होता है अच्छे वचनों से, ज्ञान से। आपका श्रृंगार केवल भौतिक चीजों से नहीं कि आपने फूलों का कजरा धारण कर लिया, होठों में लाली लगा ली, अलग अलग तरह के टीका लगाए, अलग अलग तरह के क्रीम पाउडर लोशन फलाने ढिमके का प्रयोग किया, इसमें आपकी महानता नहीं है। क्या कहते हैं? केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम, न हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न अलंकृता मूर्ध्वजा, वाणी एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। स्त्रियां अगर श्रृंगार करती हैं तो दो कारण है। पहला, देखिए, श्रृंगार किया जाता है या तो खुद को अच्छा दिखे या फिर दूसरे लोग अच्छा कहें। लेकिन सुंदरता की तो परिभाषा अलग अलग होती है ना। मैं आपको एक बताऊं, कड़वी सच्चाई है, ठीक है, सब अपने ऊपर मत लेना अगर नहीं करते हो, पर क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ये बात सब तक पहुंचेगी इसलिए मैं कह रहा हूं। एक तरफ स्त्रियों को ये भी लगता है कि कोई रूप देख करके हमें जज ना करे, लगता है कि नहीं लगता है, कि हमारे बाह्य रूपों को देख करके कोई हमारी प्रशंसा या निंदा ना करे। और लेकिन उनका पूरा का पूरा प्रयास भी किस पे रहता है? बाह्य रूप को सजाने में। तो ये तो दोहरापन है ना। एक तरफ ये कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होता है, और आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के आंखों पर धूल झोंकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भी ऐसा लगता है कि लोग मुझे मेरे सौंदर्य से देखें, मेरी प्रशंसा करें, और उसमें फिर जो समय लगता है, देखिए सौंदर्य के पीछे जो समय लगता है और जो धन लगता है, उसकी जगह पर उस धन का सदुपयोग किया जा सकता है। और तीसरी बात, अब मैं आ रहा था बाहरी सौंदर्य से, जो भोगवादी स्त्रियां हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आज की जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता में पहले भारतवर्ष में पतिव्रता धर्म का पालन किया जाता था, और धीरे धीरे करके पाश्चात्य सभ्यता जो आ रही है, तो वहां पर आज कोई और पति है या कोई और प्रेमी है, कुछ समय के बाद में कोई दूसरा होता है, इस तरह से किसी एक के प्रति ईमानदारी नहीं होती है। और उसकी वजह से जब पति के प्रति ईमानदारी नहीं होगी तो बच्चों के प्रति भी वैसा ही भाव रहेगा, तो पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके दूसरे के पास जाने की परंपरा रहती है। और जिन बच्चों ने अपने माता पिता को ऐसा करते हुए देखा है, अथवा जिन बच्चों के माता पिता को ये भी, जिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन से हैं, उन बच्चों के मन में कैसा संस्कार आएगा? वो बच्चे संस्कार भी वैसे ही लेकर के आगे बढ़ेंगे, और ये एक पीढ़ी दो पीढ़ी करते करते परंपरा चलने लगेगी। पहले भारतवर्ष में ऐसा नहीं था, पर आज मैं देखता हूँ भारत में भी बहुत सारे जगहों पर माता, दो तीन बच्चे की माँ किसी और के साथ भाग जाती है, या दो तीन बच्चों का पिता भी कोई और पत्नी लेकर के आता है। मैं केवल स्त्री को दोष नहीं दूंगा, पुरुष का भी दोष है, पर क्योंकि अभी प्रसंग चला है स्त्रियों का, इसलिए मैं कह रहा हूं।
तो अगर एक स्त्री ज्ञानी होगी जिसमें वीरता के गुण होंगे, जो अपने बच्चों को वीर बनाएगी, क्या कहते हैं संत जन की जननी जने तो संत जने, जननी जने तो संत जने या दाता या सूर। अगर कोई स्त्री बच्चा पैदा करना चाहे तो या तो वो संत तैयार करे समाज को मार्ग दिखाने वाला, या कोई दानी तैयार करे, या फिर कोई सूरवीर तैयार करे, अन्यथा वो वंध्या ही रहे, काहे को गवावे नूर। कहते हैं कि अगर ऐसे पुत्र पैदा नहीं कर सकते जो संत हो या फिर दाता हो या वीर हो, तो ऐसी स्त्री को बंध्या ही रहना चाहिए, अर्थात निसंतान ही रहना चाहिए, अपने शरीर को खराब नहीं करना चाहिए। आज तो स्त्रियां अपने बच्चे को बचपन से ही भौतिकवादी बनने की शिक्षा देती है, अध्यात्मवादी। अगर अगर बच्चा धर्म की तरफ जाता भी होगा तो माताएं कहेंगी कि बेटा घर आ जा। हमारे यहाँ पर भी मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि विद्यार्थियों को वापस बुलाने में माताओं का और बहनों का सबसे बड़ा योगदान होता है, बाकी दूसरे लोगों का योगदान दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। तो ऐसी स्त्री जो है वो माया का रूप है। दूसरा है बाजे बजावन हार। दूसरा माया का रूप क्या है? दज्जाल का रूप संगीत, भौतिक संगीत। वैसे तो संगीत का आधार जो है वो वेद है, संगीत का आधार उपवेद है गांधर्व वेद, और गांधर्व वेद का आधार है साम वेद, सुरों का आधार। और वेद में किसकी उपासना की गई है? उस एक परब्रह्म की। लेकिन भौतिक समय में जो भी संगीत बना है वो अध्यात्म प्रद नहीं है। एक समय था जब लोग वेदों के मंत्रों का गायन करते थे विभिन्न छंदों में, अनुष्टुप तिष्टुप गायत्री शार्दूल विक्रीडित, ऐसे ऐसे छंदों में विभिन्न रागों का आधार लेकर के गायन करते थे और भक्ति में डूबते थे। एक समय था जब मीराबाई गाती थी तो मंत्रमुग्ध होकर के गाती थी, सुनने वाले भी सुनते थे। एक समय था जब हरिदास जी गाते थे, नरसिंह मेहता जैसे भक्त गाते थे, रसखान जैसे गाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे पहले परमात्मा को सुनाने के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए भक्ति संगीत का प्रयोग होता था, फिर राजा महाराजाओं को रिझाने के लिए दरबारी संगीत का प्रयोग होने लगा, फिर धीरे धीरे उन राजा महाराजाओं के बाद अब वही संगीत श्रृंगार युक्त, वो भी श्रृंगार युक्त कैसे? भौतिक श्रृंगार का वर्णन करते हुए, जिसमें स्त्रियों के सौंदर्य या स्त्री पुरुष के मिलन या फिर कामुकता वाले शब्दों के अलावा उस संगीत में और कुछ होता ही नहीं था, ऐसे संगीत को क्या कहा गया है? दज्जाल का रूप। क्योंकि संगीत एक ऐसा साधन है, जैसे मैंने कहा ना कि देखी हुई जो चीज है वो जल्दी से भूलते नहीं है, संगीत के माध्यम से अगर कोई चीज याद करते तो कभी नहीं भूलते। जैसे बच्चे को बचपन में, जैसे आप लोगों ने कोई कविता याद की होगी तो गा करके याद किया होगा, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्यों? ऐसे बोल करके याद करने में जल्दी याद नहीं होता, पर क्योंकि वो छंदबद्ध है, राइमिंग है, तो जल्दी याद होता है। गीत के बोल कितने जल्दी याद होते हैं? आप में से सुंदर साथ में कम से कम दो दो सौ गाने याद करने वाले, या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको 200 गाने याद है, कम से कम। गिनती में पता नहीं होगा पर गाते जाएंगे तो पूरी लाइन याद है। और 200 गाने का मतलब समझते हैं, एक स्थाई और कम से कम दो या तीन अंतरा, तो चार चौपाई के बराबर। तो समझ लीजिए कि 200 गाने याद होने का मतलब है 800 चौपाइयां। आप में से कितने लोगों को 800 चौपाई याद है? पर गाने सबको याद है। क्यों? क्योंकि संगीत के माध्यम से है। अगर आपको चौपाइयां याद भी होंगी तो वो चौपाइयां याद होंगी जो गायन के रूप में सुना होगा, कीर्तन का जो गायन होता है उस रूप में सुना होगा, तो वो याद हो जाती है। अगर आप संगीत को केवल श्रृंगार मूलक संगीत की तरफ या अश्लीलता युक्त संगीत की तरफ लेकर के जाएंगे तो वो माया का रूप होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द होंगे। आजकल के तो गाने वैसे बनते हैं, प्रेरणादायी गाने नहीं बनते,
गाने हो तो कैसे हो, या तो वीर रस के हो या भक्ति रस के हो या हास्य रस के हो तब भी समझ में आता है, शांत रस के हो तो समझ में आता है। आजकल उच्छृंखल गाने हैं, जो गाने लोगों को शराब पीने के लिए, जो पुरुष और स्त्रियों को एक दूसरे के तरफ आकर्षित करने के लिए, जो एक दूसरे को लड़ाई करने के लिए, हथियार रखने के लिए, बंदूक रखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसे गाने जो है वो माया का कारण है। लोग गानों को, संगीत को आजकल समाज का आईना मानने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं ये है भी, क्योंकि संगीत भी तो साहित्य का ही एक रूप है और साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसलिए जो भद्दे संगीत हैं, अश्लीलता वाले, उन संगीतों को भी दज्जाल का हथियार कहा गया है। तीसरा जो हथियार है वो है, कहते हैं, पढ़ने वाले इलम के। जो भौतिक विद्या के पढ़ने वाले लोग हैं वो माया का हथियार है। क्यों? क्योंकि देखिए, भौतिक विद्या केवल माया का हथियार नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम बल्ब जला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, माइक, साउंड सिस्टम, कैमरा, जितने भी चीजें हैं, ये भौतिक विद्या के कारण ही है। लेकिन अगर केवल भौतिकता का ज्ञान होता है तो आध्यात्मिकता से विमुख हो जाएंगे। जो आज के आधे अधूरे तथा कथित विज्ञान के छात्र है ना, जो ये कहते हैं कि वी बिलीव इन साइंस, वी डोंट बिलीव इन गॉड, ऐसे वाले जो ये लॉजिक देते हैं कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको कैसे मान ले, ऐसे वाले साइंटिस्ट जो हैं आधे अधूरे, ऐसे लोगों को कहा गया है कि ये भी दज्जाल का रूप है। कैसे? देखिए, किसी भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने परमात्मा के अस्तित्व को नकारा नहीं है, केवल ये कहा है कि हमने नहीं देखा है। क्योंकि अगर बिना देखी हुई बात को नकारने लग गए तो वो विज्ञान कैसे हुआ? जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, किसी ने बैक्टीरिया को, वायरस को नहीं देखा था, फिर भी ये लोग ये थे ना। ऐसा थोड़ी है कि वातावरण में उनका अस्तित्व मौजूद नहीं था, लेकिन जब आविष्कार हुआ तब उन्होंने देखा। इसी तरह से परमात्मा को देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी यंत्र नहीं, सूक्ष्म दृष्टि, आत्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। आज धीरे धीरे जिन्होंने भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों को पढ़ा है वो तुलनात्मक रूप से बता पाते हैं और ब्रह्मवाणी इसको स्पष्ट कर पाती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं, हमें तो केवल भौतिक विद्या से मतलब है, तो ऐसे जो केवल भौतिक ज्ञान के लोग हैं या फिर जिन्होंने शास्त्रों को केवल शब्द ज्ञान के रूप में पढ़ा है और उन शास्त्रों का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, छुआछूत, इन सब का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कहीं ना कहीं शास्त्रीय आधार लेकर के लोगों ने मनगढ़ंत अर्थ करना शुरू किया। तो ऐसे मनगढ़ंत अर्थ करने वाले लोग और भौतिक विद्या को पढ़ने वाले लोग, ये सभी दज्जाल का रूप हैं। और कहते हैं चौथे जादूगर होशियार, और चौथे कौन है? जो जादूगर, चमत्कार दिखाने वाले। क्योंकि समाज की प्रवृत्ति कैसी है? चमत्कार को नमस्कार करने वाली। जहाँ चमत्कार दिखता है लोग वहीं पर झुकते हैं। यहाँ तक कि सुंदर साथ भी अगर कोई कष्ट आता है तो वो लोग तांत्रिकों के पास जाने से नहीं झिझकते। ज्योतिषों के पास जो फलित ज्योतिष करते हैं, जिनको खुद का भविष्य नहीं पता, ऐसे लोगों के पास अपना भविष्य दिखाने जाने से नहीं कतराते। ऐसे लोगों को कहा गया है कि ये जादूगर हैं। आज अगर जहां ब्रह्मवाणी की चर्चा हो रही हो, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही हो, वहां पर लोगों की संख्या कितनी होती है, और ये जो चारों हथियार हैं, वहां पर देख लीजिए। जैसे जहां पर कोई, जैसे मान लीजिए कि यहां पर पूर्वोत्तर भारत में, इधर का तो मुझे पता नहीं, पर पूर्वोत्तर भारत में और बिहार की तरफ ऑर्केस्ट्रा का चलन है, यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वहां पर लड़कियों को बुलाया जाता है नाचने के लिए, विशेष रूप से शादी समारोहों के समय में, और वहाँ उनका नाच देखने के लिए आसपास के 8-10 गांवों के लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। सोचिए,
इसी तरह से बाजे बजावन हार की मैं बात करूं, जहां ब्रह्मवाणी की चर्चा होती है वहां पर लोगों की भीड़ देख लीजिए, और फिर कहीं पर कव्वाली का या फिर किसी एक संगीतकार को बुला करके उसके गाने का आयोजन करके देखिए, वहां की भीड़ देख लीजिए। इसी तरह से आप चमत्कार दिखाने वाले, चाहे आप बागेश्वर बाबा को देख लीजिए, चाहे साईं बाबा को देख लीजिए, वहां पर लोगों की भीड़ देखिए, तो हर जगह पर लोगों की भीड़ होती है। और ये लोग क्या करते हैं, वास्तविक अध्यात्म से लोगों को विमुख करते हैं। लोगों को लगता है कि जो हमें चाहिए वो तो यही मिल रहा है, सांसारिक इच्छा की पूर्ति भी यहाँ से हो रही है और भक्ति भी यहीं से हो रही है, तो हम कहीं और क्यों जाएं। इस तरह से दज्जाल के ये जो चारों रूप हैं ये घेरे रहते हैं। जहां कहीं भी ब्रह्म सृष्टियां मिलती हैं तो ये दज्जाल के हथियार अपने अपने तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, पर जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक हरफ। लेकिन जिनके अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है और जिनमें उसका ईमान होता है, वो मायावी दज्जाल के हथियारों की एक नहीं सुनते और राज्य के तारतम्य ज्ञान को लेकर के वो परम धाम की तरफ चलते हैं। इस तरह से ये आकोट का शुक्राना है, जिसमें क्या कहते हैं कि श्रीजी समझा रहे हैं कि किस तरह से हमने जाहिरी और बातिनी मेहर से ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा की। मंदसौर में 8 महीने भिक्षा मांगना पड़ा, पर उस भिक्षा में भी किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ था। वो भिक्षा भी बातिनी मेहर थी। मैं पहले बात कर रहा था इस शुक्राना के प्रसंग में कि जाहिरी मेहर हम समझते हैं एक दृष्टि से, बातिनी मेहर हम इस तरह से समझते हैं कि ब्रह्मवाणी की प्राप्ति हुई है। हम हमारा व्यापार अच्छा हो गया इसको हम मेहर कहते हैं, पर हमारा व्यापार डूब गया उसको मेहर नहीं कहते। पर लालदास जी का व्यापार डूब गया, आपको पूछा जाए कि लालदास जी के ऊपर राज्य ने मेहर की अथवा कहर, आप कहेंगे कि नहीं वो राज्य की मेहर थी। लेकिन हम पर बीते तो हम कहेंगे कि राज्य मेहर करो और हमारी स्थिति सामान्य कर दो। तो श्री जी ने उस 8 महीने की भिक्षा के विषय में भी इस तरह से बताया कि वो 8 महीना जो भिक्षा मांगी गई वो ब्रह्म सृष्टियों को पन्ना जी में जो आनंद देना है उस आनंद की भूमिका को तैयार करना था, अहंकार से पूर्ण रूप से समाप्त करना था। इस तरह से हर प्रकार से राजी ने मेहर की। मैं बता रहा था कि जीव ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि तीनों के लिए जाहिरी मेहर तो चलो एक जैसे है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते, पर बातिनी रूप से तीनों पर मेहर अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे देखिए, जीव सृष्टि पर बातिनी मेहर का तात्पर्य है कि स्वप्न में यदि उन्हें किसी प्रकार का दर्शन होता है, किसी प्रकार का अनुभव होता है, या उन्हें भावलीनता आ जाती है, ये राज्य की बातिनी मेहर है। जाहिरी तो आप समझ ही गए हैं। ईश्वरीय सृष्टि को ब्रह्मवाणी के रहस्य खुलते हैं और वाणी के माध्यम से परम धाम के 25 पक्षों का पता चलता है और साथ में राज्य का भी दर्शन उन्हें होता है, परम धाम के प्रेम का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव। और ब्रह्म सृष्टियों को बातिनी मेहर क्या है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए बातिनी मेहर है कि वो हकीकत और मारिफत की अवस्था में पहुंचती है। राज्य के स्वरूप की पूर्ण पहचान होना, आत्म जागृत होना, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करना, युगल स्वरूप का साक्षात्कार करना और अपनी परात्म को देखना, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए बातिनी मेहर है। और उसके लिए उस भूमिका तक पहुंचने के लिए जो जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे कोई कष्ट आए, चाहे कुछ भी हो, वो सभी बातिनी मेहर के अंतर्गत ही आते हैं। इस तरह राज्य ने हम पर मेहर की। अब क्या कहते हैं श्री जी कि दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सक। मैंने तुम्हें कुलजम दिया है। यहाँ कुलजम क्यों कहा गया है, कुलजम क्या है, वाणी, पर वाणी को कुलजम क्यों कहा है, इसीलिए क्योंकि आपने एक प्रसंग सुना होगा मूसा हारून और फिरौन का। मूसा पैगंबर प्रार्थना करते हैं कोहतूर पर्वत पर,
उन्हें दर्शन होता है परमात्मा के स्वरूप का, राज्य का। और वो कहते हैं कि मैं हारून से, मैं फिरौन से लड़ाई कर रहा हूँ, पर मैं अकेले लड़ नहीं सकता, मुझे आप कोई सहयोगी दीजिए। तो उनको कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा भाई दे रहा हूँ। तो उन्हें हारून से मिलवाया। फिरौन एक ऐसा राजा था दुष्ट, जो खुद को ही परमात्मा मानता था और वहां की जनता से खुद की पूजा करवाता था। पर मूसा कहते थे कि नहीं, परमात्मा तुम नहीं हो, अलग है परमात्मा। और फिरौन जबरन दूसरे लोगों को अपनी पूजा करवाता था, लेकिन हारून इसका विरोध कर रहे थे। मूसा पैगंबर जब हारून से मिलते हैं, अब मूसा को एक चमत्कारी लाठी मिलती है, उस लाठी से वो अलग अलग तरह के चमत्कार कर सकते हैं, वो भी खुदा के आदेश से। तो मूसा और हारून जब एक हो जाते हैं, हारून के पास सैनिकों की टुकड़ी है, मूसा के पास चमत्कार है। एक दिन हारून फिरौन की फौज को ललकारते हैं, लेकिन फिरौन की फौज बहुत ज्यादा है, तो वो भागते हैं। हारून की फौज अब भागती रहती है। मूसा पैगंबर अब देखते हैं कि आगे भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में एक नदी आती है, जिसको उस नदी को कहा गया है कुलजम। मूसा पैगंबर अपनी लाठी से, चमत्कारी लाठी से, उस नदी पे रास्ता बना देते हैं बीच में से। तो हारून की फौज जो है वो पार हो जाती है। और जब फिरौन की फौज उस नदी के अंदर प्रवेश करती है, तो मूसा जो है वो उसी लाठी के चमत्कार से पुनः उस रास्ते को हटा देते हैं। तो उस पानी के प्रवाह में सब लोग बह जाते हैं, फिरौन भी बह जाता है। तो यहाँ पर कुलजम और इस तारतमवाणी की कुलजम कहने से क्या तात्पर्य है, दोनों में क्या संबंध है? क्योंकि जिस प्रकार वहां पर कुलजम नदी ने फिरौन रूपी माया को डुबोया और हारून को पार कराया, इसी तरह से ये जो ब्रह्मवाणी है, ये भी ब्रह्म सृष्टियों को पार कराने वाली है, इसलिए इसको कुलजम कहते हैं। कई बार लोग इसको, हमारे समाज के जो पुराने बड़े बड़े प्रचारक हैं, वो इसका अर्थ ऐसे लगाते हैं कि कुल धन जमा, कुल मतलब सारा, और सभी धर्म ग्रंथों का सार इसमें जमा है, इसलिए कुल जमा और कुलजम बना है। पर ऐसा नहीं है, कुलजम उस नदी के कारण, उस नदी के गुण से, इस तारतमवाणी के गुणों के मिलने के कारण इसे कुलजम कहा। और क्योंकि अगले चरण से ही हम समझ सकते हैं, इनो किया गरक, माया को डुबोया है। यहाँ पर मूसा कौन है? मूसा पैगंबर से जैसी लीला हुई थी, वैसी लीला श्रीजी साहब के द्वारा हो रही है। और फिरौन कौन है? औरंगजेब, जो अपनी सत्ता के मद में चूर है। और हारून है महाराजा छत्रसाल जी, जिनसे अभी मुलाकात नहीं हुई, जिनसे कल के चर्चा में हम सुनेंगे किस तरह से उनसे मुलाकात होती है। तो श्रीजी कहते हैं, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सक। अब हमें उस तारतमवाणी को पढ़ना है, जिससे सभी संशय, सभी शक समाप्त होते हैं। श्री महामती जी कहते हैं कि ये सुंदर साहब जी, राज्य का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उन्होंने हम पर पल पल मेहर की है। हम चौपाई में तो कहते हैं कि नजर से न काढ़ी मुझे, अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। महामती कहे, तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। राज्य की हम पर पल पल मेहर हो रही है, तो राज्य का शुक्रिया अदा करना है। दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। यहाँ पर अज्ञान रूपी दज्जाल, जो कभी औरंगजेब के अंदर घुसता है, कभी फतेह अल्लाह के अंदर, सबके अंदर वो दज्जाल है, उसकी लड़ाई में और कैसे रक्षा की जाए। राज्य ने कदम कदम पर रक्षा की, इसके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना है। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे किस तरह से श्री जी बुढ़ानपुर से चल करके आगे रामनगर पहुंचते हैं, और रामनगर से चलते हुए रामनगर में जागनी करते हुए पन्ना जी कैसे पहुंचते हैं, छत्रसाल जी से कैसे भेंट होती है, बुढ़ानपुर से औरंगजेब के
उन जो दरबारी थे उन दरबारियों के पास किस तरह से पुनः संदेश पहुंचाया जाता है और कैसे लालदास जी की प्राण रक्षा वहां पर होती है, वहां पर जाहिरी मेहर प्रत्यक्ष मेहर का उदाहरण देखने को आता है, ये सारी चर्चा हम सुनेंगे कल। अभी के लिए समय पूरा हुआ है। श्री महामति कहे ए मोमिनो, शुकराना ल्याओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।